प्रतापगढ़ के मुनस्यारी में पुल नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर एक खतरनाक नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। खबर है कि इस नाले के ऊपर एक पुल था जो पिछले साल हुई भारी बारिश में बह गया, जिसके बाद से इलाके के लोग इस तेज बहाव वाले नाले को किसी तरह पार कर रहे हैं। इसे पार करने के लिए लोगों को एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर कदम जरा भी लड़खड़ाए तो जान बचाना मुश्किल है। हाल ही में स्कूल जा रही दो बहनें नाले के इस तेज बहाव में अपने आप को संभाल नहीं सकी और बह गयी। दो बहनें जो है यहाँ से स्कूल को जा रही थी और अचानक उनका हाथ छूटा और वो यहाँ से बहकर नीचे तक चली गयी और एक बहन की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन अभी अस्पताल में है जिसका वहां पर इलाज चल रहा है। इस हादसे के बावजूद लोग इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई यहां से रास्ता नहीं है। भारी बारिश की वजह से मुनस्यारी का एक झरना भी इन दिनों बेहद खतरनाक हो गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में राहत बचाव के काम में लगा एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर खाने पीने का सामान लेकर मोल्डी से अराकोट जा रहा था और इसी दौरान बिजली के तारों में उलझकर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और उसका मलबा आसपास के इलाके में फैल गया। हादसे में पायलट समेत तीन लोगों की मौत हो गई। वहाँ मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। तीन लोगों का होना उसमें बताया जा रहा है, जिसमें एक पायलट को पायलट और एक विलेजर था। हादसे के बाद प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया, लेकिन हादसे की जगह पहुँचने के लिए रेस्क्यू टीम को एक उफनती नदी को पार करना होगा। अराकोट जिस नदी की वजह से यहाँ तबाह हुआ है, तमाम गाँव जिस नदी की वजह से यहाँ तबाह हुए हैं, इस नदी को पार करना पड़ेगा टीम को और तब आप हेलीकॉप्टर के उस क्रैश पार्ट तक पहुंचेंगे। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर को उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से आई तबाही के बाद राहत और बचाव के काम में लगाया गया था। पंजाब में बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। जालंधर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना की मदद से लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हालांकि कई इलाकों में बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर अनदेखी के भी आरोप लगाए हैं और सरकार को भी निशाने पर लिया। जालंधर के गीदड़ पिंडी इलाके में बाढ़ से हालात काफी खराब रहे। कमर से ऊपर तक डूबे लोग अपनों के लिए पीने के पानी, बच्चों के लिए दूध और राहत का दूसरा सामान ले जाते हुए दिखे। एक आदमी को तो अपने चार बच्चों के लिए मुट्ठी भर मदद भी नसीब नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं एक शख्स एक बोतल में दूध लेके आ रहा है। सर दूध लेके आ रहा है किसके लिए? बच्चे चार। इतने से दूध से चल जाएगा क्या? मिलेगा ये ना, फिर क्या करें? बड़ी बोतल में महज इतना सा दूध ये इस शख्स को मिला है बच्चों के लिए, ये प्रशासन की नालायकी ही है। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। बताया गया कि दूर दराज के इलाकों में प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री ही नहीं बांटी गई। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस कदर जलमग्न हो रखा है पूरा गाँव का गाँव। हर जगह पर पानी ही पानी हो रखा है, लोग परेशान हो रहे हैं, राहत सामग्री वो लेके आ रहे हैं। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? सर फाटक से आ रहा है, राहत सामग्री लेके आ रहे खाने वास्ते। प्रशासन की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी, जो जो संगत आती है वो देती है हमको, प्रशासन कोई नहीं आया, कोई सरकार नहीं आई जी। बाढ़ से पूरे इलाके में बर्बादी का मंजर दिखा। खिड़कियों पर खड़ी महिलाएं अपनों का इंतजार करती नजर आई। कई गलियों में तो 8 से 10 फीट तक पानी भरा दिखा, इतना पानी कि कोई भी खड़े खड़े डूब जाए। कई मकान भी जलमग्न नजर आए। इस घर के गेट के अंदर किस कदर पानी पानी ही पानी हो रखा है, आप देख सकते हैं। सीधा साफ ग्राउंड जीरो से हम लोग ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। जिस घर इस घर के मालिक से हम बात करते हैं, सर आपके घर में इतना पानी हो रखा है, कितनी देर हो गई है यहाँ पर पानी? दो दिन से दुबा पड़ा है, जहाँ कोई नहीं आया। जालंधर के जिन इलाकों में बाढ़ से हालात ज्यादा खराब थे, वहाँ वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और लोगों को राहत शिविरों में लाने की कोशिश की गई। हालांकि सतलुज नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ पीड़ितों और सरकार को राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत काफी कम है। अब भी नदी खतरनाक बनी हुई है और बाढ़ वाले इलाकों में पानी घटना शुरू नहीं हुआ है। जालंधर फिरोजपुर नेशनल हाईवे के नजदीक रेलवे के पुल को नदी का पानी छूता दिखा। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि पंजाब को फिलहाल बाढ़ से राहत नहीं मिलने वाली। सतलुज नदी लगातार उफान पर है। बाखड़ा डैम से रह कर जो पानी छोड़ा जा रहा है वो सतलुज नदी में आ रहा है और सतलुज नदी क्या कहर बरपा रही है वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। ये आप देखिए सतलुज नदी ओवरफ्लो होकर तमाम जो इलाका है उसको अपनी चपेट में ले चुकी है। सामने जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं वो जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन है, लेकिन ये जो रेलवे लाइन है ये भी आप देखिए इसका जो ब्रिज है वो पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को पहुंचा है।
सीमा से लगे गांवों में भी बाढ़ से काफी बर्बादी हुई। आप देखिए पीछे जो तमाम खेत हैं बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, धान की तैयार फसल यहां पर खड़ी है लेकिन यहां पर पानी आना शुरू हो चुका है। सामने ही BSF की एक आउटपोस्ट भी है, बॉर्डर आउटपोस्ट, लेकिन वहां पर भी बताया जा रहा है कि पानी भरना शुरू हो चुका है। राज्य की अमरिंदर सरकार बाढ़ वाले जिलों में पहले ही प्राकृतिक आपदा घोषित कर चुकी है और अब सरकार की तरफ से राहत के कामों के लिए 100 करोड़ रुपए की रकम भी जारी